हे गाइस, मेरा नाम आनंद है और आप देख रहे हैं कोडिटअप। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाइथन के व्हाइल प्रोग्राम्स के बारे में। सो लेट्स बिगिन। पाइथन के व्हाइल प्रोग्राम की सीरीज में हमने सारे के सारे लेवल वन क्वेश्चंस को कर लिया है। आज हम लेवल टू क्वेश्चन पर मूव करने वाले हैं और ये है कुछ लेवल टू क्वेश्चंस की सीरीज, क्वेश्चन नंबर 1 to 10। और भी सारे क्वेश्चन हैं, हम वो बाद में करेंगे। पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 to 10 को 1 by 1 करेंगे। तो आज जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 1, जो ये कहता है कि राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ गिवन नंबर। सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ गिवन नंबर का कहने का मतलब क्या है? सपोज कीजिए आपको एक एक मैं नंबर देता हूं, जैसे मान लीजिए मैं आपको देता हूं 243। तो आपको जो फाइनल आउटपुट शो करना है वो आपका आउटपुट क्या होगा, उसके डिजिट्स को अलग अलग कीजिए। तो पहला डिजिट 2 है, दूसरा 4 है और तीसरा क्या है, 3 है। तो इन सबको जब आप आपस में प्लस करेंगे तो जो वैल्यू आएगी, तो वो वैल्यू क्या आएगी, 4 to 6 और 3 9। तो 9 जो है वो आपका क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। तो इसे कहते हैं सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ गिवन नंबर, यानी किसी दिए गए नंबर के सारे डिजिट्स को आपको अलग अलग करके उन्हें सबको क्या करना है, आपस में प्लस करके तब आपको जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू शो करनी है। तो चलिए प्रोग्राम करते हैं। प्रोग्राम क्या है, देखिए सबसे पहले हमारे पास वो नंबर होना चाहिए। तो हम सबसे पहले यूजर से पूछेंगे इंटर नंबर टू फाइंड सम ऑफ डिजिट्स, यानी वो नंबर दीजिए जिसका आप सम ऑफ डिजिट्स निकालना चाहते हैं, उसे इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे। और इंटीजर में कन्वर्ट करके कहाँ स्टोर कर देंगे, आई में स्टोर कर देंगे। अब मान लीजिए यूजर कोई कोई वैल्यू देता है आई में, वो कहता है कि मेरे को 248 जो है इसको आप कन्वर्ट करके दिखाइए सम ऑफ डिजिट्स में, इसको दिखाइए मुझे। तो हम प्रोसेस शुरू करते हैं। तो देखिए हमें क्या करना है, सबसे पहले 2 को एक्सट्रैक्ट करना होगा, फिर अगली बार हमें 4 को एक्सट्रैक्ट करना होगा, फिर अगली बार हमें 8 को एक्सट्रैक्ट करना होगा, यानी कि 2 अलग करना होगा, 4 अलग करना होगा और 8 को अलग करना होगा। और फिर उसके बाद इन सबको क्या करना होगा, आपस में प्लस करना होगा। तो जो हमारा फाइनल आंसर आएगा 14, ये आपको क्या करना होगा, यूजर को डिस्प्ले करना होगा। ये है हमारा टास्क। तो सपोज कीजिए हमने आई में क्या ले लिया, 248 ले लिया। अब सम में कितना ले लेते हैं, तो सम में हम ले लेते हैं 0। मैंने इसका रीजन बताया है, सम में 0 इसलिए लेते हैं क्योंकि किसी भी नंबर में 0 ऐड करने पर उसकी वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। यही अगर मल्टीप्लीकेशन लेंगे तो हमेशा 1 पे सेट करेंगे। क्यों? क्योंकि मल्टीप्लीकेशन 1 पे सेट करने से क्या होगा कि कोई भी नंबर में जब आप 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब आइए, तो सम को हमने 0 पे ले लिया, हमने कंडीशन लगाया कि व्हाइल जब तक आई की वैल्यू क्या है, 0 से बड़ी है। तो देखिए आई की वैल्यू कितनी है, 248, 0 से बड़ी है, बिल्कुल है। जैसे ही कंडीशन ट्रू हुआ, ये अपने बॉडी के पार्ट में आएगा, सबसे पहला स्टेटमेंट जो एग्जीक्यूट होगा वो होगा सम इक्वल टू सम प्लस आई परसेंट 10। अब ध्यान से इस स्टेटमेंट को देखिए, क्या है स्टेटमेंट, सम इक्वल टू सम प्लस आई मॉडुलस 10, परसेंट मतलब मॉडुलस, परसेंट तो साइन होता है लेकिन पढ़ते इसको मॉडुलस है, ठीक है। तो सम में कितनी वैल्यू स्टार्टिंग में, देखिए 0, तो यहाँ पे ये क्या ले लेगा, 0 ले लेगा, प्लस आई मॉडुलस 10। तो आई मॉडुलस 10 मतलब क्या हुआ, देखिए आई की वैल्यू कितनी है, 248, तो 248 मॉडुलस 10 कीजिएगा तो क्या होगा, तो मॉडुलस ऑपरेटर क्या करता है, मैंने आपको बताया था ये रिमाइंडर देता है। तो 248 को जब आप 10 से डिवाइड कीजिएगा तो जो रिमाइंडर आएगा, वो रिमाइंडर कितना आएगा, वो रिमाइंडर होगा 8, ठीक है। तो यहाँ पे आई मॉडुलस 10 के बदले क्या ले लेगा, 8 वैल्यू ले लेगा, और 0 प्लस 8 जो है वो क्या निकल के आएगा, 8 निकल के आएगा। अब नेक्स्ट लाइन पे आते हैं, आई इक्वल टू आई डिवाइड बाई 10। देखिए यहाँ डबल स्लैश है, डबल स्लैश का भी मतलब मैंने आपको समझाया था, ये कहता है कि जैसे हमने लिखा ना आई डिवाइड बाई 10, तो अगर हम सिंपली आई डिवाइड बाई 10 करेंगे तो जैसे आई में क्या है, 248 है, तो ये बन जाएगा 24.8। तो क्या हमें पॉइंट चाहिए, नहीं, हमें जैसे हमने 8 जब एक्सट्रैक्ट कर लिया पहली बार में, तो अगली बार जो हमें एक्सट्रैक्शन चाहिए वो 4 का चाहिए, तो हमें पॉइंट को नहीं लेना है। तो ये जब हम डबल डिवाइड बाई करते हैं तो इससे क्या होता है, पॉइंट्स नहीं आते हैं, मतलब आपकी वैल्यू जो है पहले क्या थी, 248 थी ना, तो 248 जो है वो 24.8 में कन्वर्ट हो जाएगा और पॉइंट को क्या कर दिया जाएगा, डिस्कार्ड कर देगा, यानी पॉइंट हम सिस्टम जो है वो छोड़ देगा। तो आई की वैल्यू जो इस बार निकल के आएगी वो सिर्फ क्या निकल के आएगी, 24 आएगी। अगर आप यहाँ पे आई इक्वल टू आई डिवाइड बाई 10 करते, मतलब आप सिर्फ ये लिखते कि आई इक्वल टू आई डिवाइड बाई 10, तो ये डेसिमल वैल्यू को भी ले लेता, जिससे हमारा प्रोग्राम रन नहीं करता। इसलिए हमने डबल डिवाइड बाई कहा, कि मैंने कहा कि आप डिवाइड तो करो लेकिन डेसिमल की बात की किसी वैल्यू को आप मत लो, ठीक है। अब ये कर दिया तो आई की वैल्यू 24 हो गई। अब लूप है, आपको पता है लूप का कंसेप्ट, फिर से ऊपर जाएगा, यहाँ चेक करेगा कि आई की वैल्यू क्या 0 से बड़ी है। तो देखिए आई में अभी भी कितना है, 24 है, 0 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है। फिर से ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, क्या स्टेटमेंट है, सम इक्वल टू सम प्लस आई परसेंट 10। तो सम में कितनी वैल्यू है, सम में 8 है, प्लस आई परसेंट 10। तो इस बार जब हम आई परसेंट 10 करेंगे तो ये क्या है, 24% 10 है, राइट। तो 24% 10 मतलब 24 को 10 से डिवाइड कीजिए, देखिए रिमाइंडर कितना है, तो रिमाइंडर कितना आएगा, ऑब्वियसली बात है जब 24 को आप 10 से डिवाइड करेंगे तो जिसका रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा, 4 आएगा।
तो सम इक्वल टू सम प्लस, तो सम में तो ऑलरेडी क्या है 8 है पहले से, प्लस जो हमारा वैल्यू है आई आई परसेंट 10, तो आई परसेंट की वैल्यू कितनी निकल के आई, 4 निकल के आई, तो 8 और 4 जो अब सम में जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी 12 आ जाएगी। अब फिर से वही कंसेप्ट आई इक्वल टू आई डिवाइड बाई 10, तो डिवाइड बाई 10 करेंगे तो ये 2.4 हो जाएगा, लेकिन मैंने डबल डिवाइड बाई करा है तो ये क्या करेगा 4 को क्या करेगा यानी पॉइंट के बाद की वैल्यू को नहीं लेगा, तो आई में जो अभी लेटेस्ट वैल्यू अपडेट होकर आएगी वो कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। अब फिर से ये वहां यहां से ऊपर जाएगा और चेक करेगा कि आई की वैल्यू 0 से बड़ी है, तो देखिए आई में कितना वैल्यू है 2 है, 2 0 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है। जैसे ही कंडीशन ट्रू मिला फिर से ये लूप की बॉडी में आया और फिर से एग्जीक्यूट करता है सम इक्वल टू सम प्लस आई परसेंट 10, तो देखिए सम में कितना है 12 है प्लस आई परसेंट 10, आई में कितनी वैल्यू है आई में है 2, 2 डिवाइड बाई 10 मतलब परसेंट 10 मतलब मॉडुलस 10, तो एक बात बताइए क्या 2 में जो है वो 10 से डिवीजन जाएगा, नहीं डिवीजन तो होएगा नहीं, तो रिमाइंडर खुद क्या हो जाएगा 2 ही हो जाएगा, तो यहाँ पे इस बार रिमाइंडर के रूप में क्या ले लेगा 2 ले लेगा, तो 12 प्लस 2 कितना हो गया हमारा 14 हो गया। उसके बाद जब हम आई इक्वल टू आई बाई 10 करेंगे तो अब इस बार जब हम बाई 10 करेंगे तो ये हो जाएगा 0.2, तो पॉइंट वाली वैल्यू तो लेगा ही नहीं, तो अगर पॉइंट हुए तो इसको हम क्या 0.2 नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, यानी आई में इस बार जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। लूप जो है ऊपर जाएगा तो चेक करेगा कि आई की वैल्यू 0 से बड़ी है, तो आई में देखिए कितना स्टोर है 0 स्टोर है, 0 0 से बड़ा है नहीं, फॉल्स हो गया। जब ये कंडीशन फॉल्स हो गया तो लूप की बॉडी क्या हो जाएगी टर्मिनेट हो जाएगी। जब आगे बढ़ेगा यहाँ पे तो वो देखेगा एक प्रिंट स्टेटमेंट है, यहाँ क्या प्रिंट कर देगा सम ऑफ डिजिट्स इक्वल टू, तो बिल्कुल आपको जो मैसेज है वो एज इट इज आता है सम ऑफ डिजिट्स इक्वल टू, और जो वैल्यू है सम की तो देखिए सम में कितनी लेटेस्ट वैल्यू है, हमेशा लेटेस्ट वैल्यू लेते हैं, सम की लेटेस्ट वैल्यू निकल के कितनी आई है 14, तो ये आपके स्क्रीन के सामने क्या आ जाएगा आउटपुट आ जाएगा, तो देखिए 2 प्लस 4 प्लस 8 14 वैल्यू आपके स्क्रीन के सामने क्या हो गई आगे जो आपका फाइनल आउटपुट भी है। ठीक है, तो ये हमारा प्रोग्राम था जो सम ऑफ डिजिट्स को क्या करता है निकाल के आपको बताता है कि ये आपका फाइनल आंसर है। बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट था, मैंने इसमें क्या यूज किया है तो मैंने ये यूज किया कि मुझे पता है कि मैं अगर एक एक डिजिट निकालना चाहता हूं तो मॉडुलस ऑपरेटर का यूज करूंगा, तो अगर 10 से डिवाइड करूंगा तो पहली बार में 8 निकलेगा, फिर 10 से डिवाइड करूंगा तो डिवाइड मतलब मॉडुलस करूंगा तो फिर 4 निकलेगा, फिर 10 का मॉडुलस करूंगा तो 2 निकलेगा, और इनको अलग अलग निकालते गया मैं। ठीक है, और अलग अलग निकाल के फाइनली इनको मैं क्या करते चला गया सम करते चला गया, तो फाइनली हमारा आउटपुट आ गया। तो ये तो थ्योरेटिकल इंप्लीमेंटेशन था, चलिए इसे प्रैक्टिकली करके देखते हैं। प्रैक्टिकली करने के लिए आपको पाइथन का आईडीएलई ओपन करना पड़ेगा, ओपन हो गया, फाइल मेन्यू में जाएंगे, न्यू करेंगे। ठीक है, यहां पे अब हम प्रोग्राम क्या करेंगे टाइप करेंगे, मान लीजिए मैं वैल्यू को आई में रीड करता हूं तो आई इक्वल टू इंट इनपुट एंटर नंबर, यानी वो नंबर हम मांग रहे हैं यूजर से जिस पे हमें काम करना है, हम सम नाम का वेरिएबल लेते हैं उसको 0 पर सेट करते हैं, एक लूप लगाते हैं जब तक कि आई की वैल्यू क्या है 0 से बड़ी है तब तक क्या करेंगे हम सम इक्वल टू सम प्लस आई मॉडुलस व्हाट 10, क्योंकि हर बार हमें लास्ट डिजिट निकालनी है। ठीक है, और फिर लिखेंगे आई इक्वल टू आई डबल डिवाइड बाई 10, ताकि डिवाइड करे लेकिन जो फाइनल आउटपुट है उसमें से डेसिमल पार्ट को क्या कर दे इग्नोर कर दे, और फिर लास्ट में हम यहां पे लिखते हैं प्रिंट सम ऑफ डिजिट्स इक्वल टू, और वैल्यू किसमें स्टोर है हमारी सम में स्टोर है, इसे हम सेव करते हैं, नाम देते हैं मान लीजिए एसओडी सम ऑफ डिजिट्स डॉट पीवाई। ठीक है, अब हम जाएंगे रन मेन्यू पे, क्लिक करेंगे रन मॉड्यूल पे, मान लीजिए हम देते हैं 1 2 3, कोई भी नंबर आप दे सकते हैं, देखिए 1 2 3 का सम ऑफ डिजिट्स ने क्या दे दिया 2 1 3 3 3 6 होता है, 6 इसने दे दिया। ठीक है, फिर से एक बार रन करके देख लीजिए, रन मॉड्यूल पे क्लिक कीजिए, मान लीजिए मैं देता हूँ 3 4 5 और एंटर करता हूँ, देखिए 3 4 7 7 5 12 हमारा क्या है आंसर है, मतलब किसी भी तरह के इनपुट के लिए आपका प्रोग्राम आपको परफेक्ट आउटपुट दे रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियोस में हम पाइथन के और भी प्रोग्राम्स के बारे में पढ़ेंगे जो व्हाइल से रिलेटेड होंगे, तो अगर आपको मेरी वीडियोज पसंद आई तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक्स।